गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं आज आपको व्याकरण विभाग पार्ट 10 का चैप्टर है मुहावरे और लोकतियाँ। मुहावरे और लोकतियाँ ये विषय मैं पढ़ने जा रहा हूँ। देखिए, ये विषय आप क्लास 5वीं से पढ़ते हुए आ रहे हो। मुहावरे, लोकतियाँ 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं तक आप ये पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो आज हम देखेंगे इस पार्ट में कि मुहावरा किसे कहते हैं, मुहावरे के अर्थ क्या है, मुहावरे से वाक्य का ढंग कैसा होता है, ये महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद फिर वही देखेंगे लोकतियाँ किसे कहते हैं, लोकतियाँ का क्या अर्थ है, लोकतियाँ से वाक्य का ढंग कैसे किया जाता है, ये दो विषय। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ मुहावरा किसे कहते हैं। मुहावरा देखो, हिंदी में मुहावरा एक ऐसा वाक्यांश, मुहावरा एक ऐसा वाक्यांश होता है जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को बताता है। मुहावरा एक ऐसा वाक्यांश होता है जो अपना सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को बताता है। मतलब मुहावरा का शब्द शाब्दिक अर्थ है वो उसका वास्तव में अर्थ नहीं होता, उससे हटकर विशेष अर्थ ही बताता है। और ये जो मुहावरा होता है ये भाषा को प्रभावशाली बनाता है। और मुहावरा का प्रयोग ऐसा होना चाहिए जिससे कि उसका अर्थ स्पष्ट हो जाए। तो मैं अगर सरल शब्दों में कहूँ तो ऐसा वाक्यांश जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को बताए उसे मुहावरा कहते हैं। जैसे अंग अंग मुस्काना, इसका अर्थ होता है बहुत प्रसन्न होना। मुहावरे का प्रयोग भाषा के प्रभाव को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, यानी भाषा प्रभावशाली बने इसलिए मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। इसके जो अर्थ होते हैं वो विलक्षण होते हैं और इसके वाक्य में प्रयोग करने से अर्थ में विलक्षणता आ जाती है। मुहावरों का प्रयोग क्रिया की तरह होता है। वाक्य में मुहावरों का प्रयोग से भाषा प्रभावशाली बनती है। जैसे एक उदाहरण है 9-2-11 होना, इसका अर्थ है भाग जाना। और इसको वाक्य में अगर बदलें तो कुत्ता रोटी लेकर 9-2-11 हो गया, चोर पुलिस को देकर 9-2-11 हो गया, ये उसका अर्थ में आता है। तो आओ कुछ विस्तार से इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। मुहावरे ऐसे वाक्यांश होते हैं जिनका सामान्य अर्थ न होकर एक विशेष अर्थ होता है। इस विशेष अर्थ को ही लाक्षणिक अर्थ भी कहते हैं। तो आंखों का तारा एक मुहावरा है, इसका अर्थ होता है बहुत प्यारा है। नीलेश अपने गुणों के कारण सबकी आंखों का तारा है, ये वाक्य पहले हमने आपको उसका अर्थ बताया। जैसे आकाश पाताल एक का, ये मुहावरा है, इसका अर्थ है बहुत परिश्रम करना। अजय ने नौकरी पाने के लिए आकाश पाताल एक कर दिया। तो आपको मुहावरे का अर्थ जानने के साथ साथ वाक्य में उसका प्रयोग कैसे करना है ये भी होना चाहिए। वाक्य प्रयोग करते समय हमको मुहावरा फिट करना है, उसका अर्थ फिट नहीं करना है। जैसे आकाश पाताल एक करना बहुत परिश्रम करना, तो आकाश पाताल एक करना ये मुहावरा है, वाक्य में इसको फिट करना है। तो इसको फिट करेंगे तो कैसा बनेगा, अजय ने नौकरी पाने के लिए आकाश पाताल एक कर दिया। आंखों में धूल झोंकना, इसका होता है धोखा देना। वाक्य अगर बनाएंगे तो बनेगा चोर पुलिस की आंखों में धूल झोंककर भाग गए, चोर पुलिस की आंखों में धूल झोंककर भाग गए। तो आसमान से पर उठाना मुहावरा है, इसका अर्थ है बहुत शोर करना।
वाक्य में इसका प्रयोग करेंगे अध्यापक के कक्षा से बाहर निकलते ही, अध्यापक के कक्षा से बाहर निकलते ही छात्रों ने आसमान सिर पर उठा लिया, आसमान सिर पर उठा लिया। तो ये है मुहावरों के अर्थ और उसका वाक्यों में प्रयोग। और कुछ बता रहे हैं, कमर टूटना यानी हिम्मत टूटना। महंगाई ने तो नौकरी पेशा लोगों की कमर ही तोड़ दी है, ये वाक्य है। उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना, वाक्य बनाएंगे सीधे साधे लोगों को उल्लू बनाकर ठगना ठीक नहीं। खून खौलना, बहुत गुस्सा हूँ, देश के साथ गद्दारी करने वालों को देखकर मेरा खून खौल जाता है, ठीक है। तो घी के दिए जलाना, खुशियाँ मनाना, वाक्य बनाएंगे भगवान राम के अयोध्या लौटने पर वहाँ के लोगों ने घी के दिए जलाए। छक्के छुड़ाना यानी पराजित करना, बुरी तरह से हराना। पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध में दुश्मनों के छक्के छुड़ाए। तो इस प्रकार हम देखते हैं यहाँ पर मुहावरे और उसका अर्थ। तो मुहावरे में हम ये बात विशेष रूप से देखें कि जो मुहावरे का शब्द है, शब्दों के अनुसार अर्थ नहीं है, शब्दों से हटकर एक नया अर्थ है। तो जैसे कि इसका हमने अभी परिभाषा में बताया था कि मुहावरे ऐसा वाक्यांश जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को बताए उसे मुहावरा कहते हैं। फिर से बता रहे हैं, मुहावरा किसे कहते हैं? ऐसा वाक्यांश जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को बताए उसे मुहावरा कहते हैं। तो तुम्हारे मुख में देखिए बहुत सारे मतलब मुहावरे दिए हैं, अंगूठा दिखाना, इनकार करना है, अंधे की लाठी एकमात्र सहारा, अपना उल्लू सीधा करना, स्वार्थ सिद्ध करना, आंखों का तारा बहुत प्यार। इसके अलावा देखिए पेज नंबर 149, 150, 151 और 152 हैं, इसमें आपके मुहावरे सब दिए हैं। तो मुहावरे के साथ अर्थ दिए हैं, मुहावरे के साथ वाक्य प्रयोग भी दिया है। तो इसमें अब आपको कैसे पढ़ना है, देखिए 10-10 मुहावरे आपको पढ़ने हैं, जिसमें अर्थ भी देखना है और उसके बाद उसका वाक्य में कैसे प्रयोग करना है मुहावरा उसको भी देखना है। तो एक दिन में 10 मुहावरे पढ़ने हैं, उसके अर्थ को पढ़ना है, मुहावरे को पढ़ना है, उसके अर्थ को पढ़ना है, उसके वाक्य में कैसा प्रयोग हुआ है उसको पढ़ना है, तीनों को पढ़ना है। अच्छा, पढ़ने के बाद आप इसको रफ कॉपी में लिखिए, लिखना कितना है 5, पढ़ना 10 है, लिखना 5 है। लिखने का अभ्यास भी आपका जरूरी है, आपकी परीक्षा में आप उसको आत्मविश्वास के साथ अच्छी तरह से लिख सकते हैं। मुहावरों की संख्या हिंदी भाषा में बहुत अधिक है, बहुत अधिक है, जिसका अंत नहीं है, जिसे देखिए नानी याद आना, बहुत कष्ट अनुभव होना, नाको चबे चना, बहुत परेशान करना, कान भरना, चुगली करना, आटे दाल का भाव मालूम होना, संसार की वास्तविकता का या संसार की कठिनाई का ज्ञान होना, आग बबूला होना, बहुत क्रोधित होना, पत्थर की लकीर, वचन का पक्का होना, बाएं हाथ का खेल, सरल काम होना, भीगी बिल्ली बनना, डर कर रहना, माथा ढकना, ठनकना, संदेह होना, मुंह तोड़ जवाब देना, करारा जवाब देना, मुंह फुलाना, रूठ जाना, मुंह फेरना, उपेक्षा करना, मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना, रंग में भंग पड़ना, प्रसन्नता में विघ्न पैदा होना, रफू चक्कर होना, भाग जाना, लकीर का फकीर होना, पुरानी बातों को मानना, श्री गणेश करना, आरंभ करना, ये बहुत सारे ऐसे मुहावरे हैं जो तो तुम्हारी पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं। तो इन मुहावरों को पढ़िए, आपका मुहावरा ज्ञान जरूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा मुहावरों का ज्ञान आपको होना
चाहिए और वाक्यों में उसका कैसे प्रयोग करना है वो भी, वो बात भी आपको अच्छी तरह से मालूम होनी चाहिए। भाषा को प्रभावशाली बनाना है, रोचक बनाना है, आकर्षक बनाना है। निबंध आदि लिखने में आपको मुहावरों का प्रयोग करना चाहिए। जितना ज़्यादा आप भाषा में मुहावरे लोकतियाँ याद रखेंगे और उनका प्रयोग करेंगे उचित स्थान पर उसका प्रयोग करेंगे तो आपकी जो भाषा है वो बहुत रोचक आकर्षक और प्रभावशाली बन जाएगी। तो कुछ कठिन नहीं, इसमें कुछ भी कठिन नहीं है, सब सरल है। आपको हमारे कहे के अनुसार काम करना है तो आपके लिए सब आसान हो जाएगा, कुछ भी कठिन यहाँ पर नहीं है। तो अब हमें आपको कुछ और मुहावरे और उसका अर्थ और उसके मुहावरे में उन वाक्यों में प्रयोग जो है उसको बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक देखिए सुनिए। तो जब कोई वाक्य या वाक्यांश अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ, विशेष अर्थ मतलब विलक्षण लाक्षणिक अर्थ को बताता है तो वो मुहावरा कहलाता है। जैसे देखिए, अपने पैरों पर खड़ा यानी आत्मनिर्भर होना, स्वावलंबी होना। अपने पैरों पर खड़ा होने के बाद ही शादी करनी चाहिए, ये वाक्य। अच्छा, अंधे की लाठी एकमात्र सहारा। श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए अंधे की लाठी था, ठीक है। अंगूठा दिखाना, धोखा देना। अपना काम निकल जाने पर स्वार्थी लोग अंगूठा दिखा देते हैं। आंखें खुलना, अपने मित्र से धोखा खाना। आंखें खुलना, धोखा है, सतर्क होना। अपने मित्र से धोखा खाकर रमेश की आंखें खुल गई हैं। आंसू पोंछना यानी सहानुभूति दिखाना। मुसीबत में किसी के आंसू पोंछना बहुत अच्छा काम है। तो इस प्रकार यहाँ पर हमने आपको कुछ ऐसे मुहावरे बताए हैं और उनका वाक्यों में प्रयोग बताए हैं जो अत्यंत रोचक और आकर्षक हैं। जैसे टक्कर पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना। जब मनुष्य पर कोई भारी विपत्ति आती है तो उसकी अकल पर पत्थर पड़ जाता है, ये सच है। तो अकल पर पत्थर पड़ना बुद्धि भ्रष्ट है। अपना उल्लू सीधा यानी अपना स्वार्थ निकालना। चुनाव जीत जाने के बाद अनेक नेता अपना उल्लू सीधा करने में लग जाते हैं, ठीक है। अपनी खिचड़ी अलग पकाना यानी सबसे अलग रहना, मिलकर ना रहना है। संसद में छोटे दल के नेता अपनी खिचड़ी अलग पकाते, ठीक है। आँखों में खटकना यानी बुरा लगना। शरारती बच्चे प्रत्येक अध्यापक की आंखों में खटकते हैं, ठीक है। नहीं, हाँ ठीक है। अच्छा, इसके बाद है आड़े हाथों लेना। कृष्ण का संदेश सुनकर गोपियों ने उद्धव को आड़े हाथों लिया। आंखें खुलना, परीक्षा में फेल होने के बाद रमेश की आंखें खुल गईं। तो इस प्रकार ये है मुहावरे और उसके अर्थ और वाक्यों में उसका प्रयोग। तो इसमें आपको ज़्यादा पढ़ना है, आपका काम ज़्यादा है। हमने आपको जो समझाया उसको इसको ध्यान दीजिए और इस किताब में पेज नंबर 53 में प्रश्नोत्तर दिए, जिसका उत्तर किताब में है वहाँ उत्तर छाटकर प्रश्नोत्तर इसमें जो बनाने हैं उसको आप बना लीजिए हैं। तो बुक में जो काम दिया गया है उसको आपको करना है। अब हम आपको बता रहे हैं लोकोक्तियाँ। Thank you.
यहाँ लोकोक्तियाँ किसे हैं, उसके बाद लोकोक्तियाँ के अर्थ क्या और लोकोक्तियों से बातें करके कैसे किए जाते हैं। ये मुहावरे जैसा ही है लेकिन थोड़ा हटके हैं लोकोक्तियाँ। तो लोगों के द्वारा कही गई खरी खरी बातें, लोगों के द्वारा अनुभव के आधार पर कही गई खरी खरी बातें लोकोक्तियाँ कहलाती हैं। हमारे समाज में प्रचलित कोई कथन, हमारे समाज में प्रचलित कोई कथन लोकोक्ति कहलाती है। लोक प्लस उक्ति, इसका अर्थ है लोग समाज में प्रचलित कोई कथन। समाज में लोगों के तरह तरह के अनुभव होते हैं, विचार होते हैं, उसी के आधार पर लोकोक्तियाँ बनती हैं, फिर वो प्रचलित होती हैं और फिर वो प्रयोग में लाई जाती हैं और धीरे धीरे यह उदाहरण के रूप में सबके मुंह में चढ़ जाती हैं, प्रभावशाली बन जाती हैं। लेकिन मुहावरे और लोकोक्तियों में थोड़ा अंतर होता है, इस अंतर को हम आपको कल बताएंगे। लेकिन लोकोक्तियाँ किसे कहते हैं इसका उदाहरण हम आपको कुछ बता रहे हैं। जैसे अंत भला तो सत भला, ये एक लोकोक्ति है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये भी लोकोक्ति है। कंगाले में आटा गीला लोकोक्ति है। दूर के ढोल सोहावने, ये भी लोकोक्ति है। घर का भेदी लंका ढाहे, ये भी लोकोक्ति है। पराधीन सपने हो सुख नाही, ये भी लोकोक्ति है। तो चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, यानी थोड़े दिन का सुख। अच्छा, चोर की दाढ़ी में तिनका, छोटे मुंह बड़ी बात। जल में रहकर मगर से बैर नहीं करना चाहिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। मन चंगा तो कटौती में गंगा, मान ना मान मैं तेरा मेहमान, सांझ को आँच ले। तो ये है लोकोक्ति। अब इसका अर्थ आपको बताएंगे हैं। लोकोक्ति का अर्थ है समाज में प्रचलित कोई कथन। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जो हम आपको धीरे धीरे बताएंगे ताकि आपको आपको अच्छी तरह से समझ में आए। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये एक लोकोक्ति। इसका अर्थ होता है दोषी अपना दोष न मानकर पूछने वाले को ही दोषी बताए। दोषी अपना दोष ना मानकर पूछने वालों को ही दोषी बताए, उसका लोकोक्ति में है अर्थ। वो है लोकोक्ति उसकी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। दूसरा बोलते हैं गरीबी में आटा गीला, कष्ट में और कष्ट आना, कष्ट में और कष्ट आना। घर का भेदी लंका ढाहे, अपने लोगों से ही अपना नुकसान होता है। पराधीन सपने हो सुख नाही, पराधीन यानी पर के अधीन होने पर जिंदगी में कोई सुख नहीं मिलता है। मतलब हमको आत्मनिर्भर होना चाहिए, दूसरे पर यदि हम निर्भर होंगे तो हम सुखी सुख नहीं प्राप्त कर सकते, हम सुखी नहीं हो सकते। चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, इसका मतलब है थोड़े दिन का सुख। अच्छा, चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी आशंकित रहता है। जल में रहकर मगर से वह सहारा देने वाले से सतर्कता करना ठीक नहीं, जिसकी लाठी उसकी है। शक्तिशाली की विजय होता है, शक्तिशाली के पास बहुत सारे अधिकार होते हैं। जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, अधिक बोलने वाले कोई काम नहीं करते। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, इसका अर्थ है समस्या की जड़ को ही मिटा देना चाहिए हैं। मान ना मान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती मेहमान बनकर रहना। सांच को आँच नहीं, सच्चे व्यक्ति का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस प्रकार हमने यहाँ पर कुछ लोकोक्तियाँ और उसके अर्थ को देखा। उसका वाक्य कैसे बनेगा वो भी हम आपको बताएंगे। पहले कुछ और लोकोक्तियाँ के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान पूर्वक उसको सुनिए। आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ होना, इसका अर्थ है दोहरा लाभ होना। ऊंट के मुंह में जीरा,
ऊंट के मुंह में जुड़ा। अधिक आवश्यकता में कम मिलना, जरूरत ज्यादा है परंतु कम वस्तु का मिलना। ऊंची दुकान फीका पकवान बाहरी दिखावा, इसका अर्थ होता है बाहरी दिखावा। एक पंथ दो काज, एक उपाय से दो काम का होना है। अच्छा, और देखिए, नेक गंगा गए तो गंगा दास, जमुना गए तो जमुना दास, दल बदलू गए हैं, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, महाकंजूस आदमी हैं। जब तक सांस तब तक आस, अंतिम समय तक आशा रखना। जिसकी लाठी उसकी भैंस, बलवान की जीत होती है। जैसी करनी वैसी भरनी, कर्मों के अनुसार फल मिलता है। जल में रहकर मगर से बैर नहीं, आश्रय देने वाले से शत्रुता नहीं करनी चाहिए। तो तेते पाव पसारिए जैती जैसी जेती लंबी सौर, मतलब अपनी क्षमता के अनुसार ही खर्च करना चाहिए। दूर के ढोल सुहावने, यानी दूर की वस्तु अच्छी लगती है। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, बहानेबाजी करना और कामना करना। आप भला तो जग भला, यदि हम अच्छे हैं तो सभी हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। तो इस प्रकार बहुत अधिक प्रचलित जो कथन होते हैं, हैं लोगों के द्वारा कहेंगे जो उक्तियाँ होती हैं वो लोकोक्ति कहलाती हैं। कुछ और उदाहरण हैं, उसके बाद हम आपको वाक्यों में इसका कैसा प्रयोग होता है वो आपको बताएंगे। तो आ बैल मुझे मार, यानी सब मुसीबत को बुलाना। अकेला चना भाड़ नहीं पड़ता, अकेला व्यक्ति कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। कोई बड़ा काम है तो वो अकेले व्यक्ति के लिए संभव नहीं होता। अंधेरी नगरी चौपट राजा, अयोग्य शासक के शासन में अव्यवस्था ही फैलती है। अयोग्य शासक के शासन में अव्यवस्था ही फैलती है, अंधेरी नगरी चौपट राजा। अधजल गगरी छलकत जाए, अधूरे ज्ञान वाला व्यक्ति बहुत अधिक घमंड करता है। अब पश्चात बोध किया जब चोरियां चुन गई खेत, ये लोकोक्ति का हम अपने जीवन में बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं। अब पश्चात बोध किया जब चोरियां चुन गई खेत, मतलब काम बिगड़ जाने के बाद पछताना व्यर्थ। तो समय पर हमें काम कर लेना चाहिए, समय पर काम जो नहीं करेंगे बाद में उनको पछताना ही पड़ता है। तो इसके बाद कुछ और बता रहे हैं, होनहार बीन मार के होत चिकने पात, योग्य व्यक्ति के लक्षण बचपन में ही दिखाई देने लगते हैं। होनहार बीन मार के होत चिकने पात, योग्य व्यक्ति के लक्षण बचपन में ही दिखाई देने लगते हैं। अच्छा, भागते चोर की लंगोटी ही सही, या भागते भूत की लंगोटी ही सही। हो रही हानि में जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष हमको करना चाहिए। अच्छा, डूबते को तिनके का सहारा, इसका मतलब है विपत्ति में थोड़ी सहायता ही बहुत होती है। इसका प्रयोग भी हम बहुत करते हैं अपने जीवन में, डूबते को तिनके का सहारा, विपत्ति काल में थोड़ी सहायता भी बहुत होती है। अच्छा, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, अस्थिर व्यक्ति जिसके पास कोई नियम नहीं होते, कोई सिद्धांत नहीं होते, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। जाकू राखे साइयां मार न सके, जिसका रक्षक स्वयं ईश्वर हो उसे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। तो घर की मुर्गी दाल, घर की वस्तु का ज्यादा सम्मान नहीं होता। अच्छा, खुदा पहाड़ निकला चूहा, अधिक परिश्रम करने पर कम परिणाम मिलना, कम फल मिलना। काला अक्षस भैंस बराबर,
निरक्षर व्यक्ति जिसको अक्षर ज्ञान ना, अच्छा आगे कोण पीछे का, यानी दोनों तरफ विपत्ति होना, अच्छा एक हाथ से ताली नहीं बजती, मतलब झगड़ा दोनों तरफ से होता है, झगड़े के दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकते, एक वस्तु के दो अधिकारी नहीं हो सकते, समझे। बोले की दलाली में मुंह काला, यानी बुरे व्यक्ति के साथ रहने से बुराई लगती है। अच्छा और बता रहे हैं आपको, अंधों में काना राजा, गुणहीन व्यक्तियों में थोड़ा गुण वाला सम्मान प्राप्त करते हैं। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, अपने क्षेत्र में निर्बल व्यक्ति भी बलवान बन जाता है। तो ये है कुछ लोकतियाँ। अब कुछ सरल सरल लोकतियाँ के वाक्य का प्रयोग हम आपको बता रहे हैं, जैसे थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। आ बैल मुझे, इसका मतलब है सम मुसीबत को बुलाना, राह चलते गुंडे का हाल चाल पूछ कर सरपंच को रुपए देने पड़े, इसी को कहते हैं आ बैल मुझे मार, ठीक है। अच्छा कुछ और लोकक्रियाओं को वाक्यों में प्रयोग करके बता रहे हैं आपको, इसमें देखिए सरल सरल वाला देखिए आपको बताते हैं, छोटा वाला बताते हैं, कौन हार की बात के दूर चिकने पर योग्य व्यक्ति के लक्षण बचपन में दिखाई दे जाते हैं। रवि ने पहला गीत 8 वर्ष की आयु में गाया, तभी सब कहने लगे होनहार की मान के वो चिकने पा। इस प्रकार ये जो हमने आज आपको बताया मुहावरे और लोकतियाँ, ये बड़े महत्वपूर्ण चीज़ें हैं भाषा में, व्याकरण में इनका बहुत उपयोग होता है और बहुत महत्व है, इसलिए आपको इनके शाब्दिक अर्थ को और वाक्यों में इसका प्रयोग दोनों को देखना है, पढ़ना है, समझना है, और इसको भी आपको 5 लोकोक्तियों के अर्थ और उसका वाक्य लिखना है। तो लिखने का अभ्यास जरूरी है, तब आप परीक्षा में अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। तो आपकी परीक्षा में पहला प्रश्न होता है अपठित गद्यांश, अपठित गद्यांश जिसके बारे में हम आपको कल क्लास में आपको समझाएंगे कि अपठित गद्यांश किसे कहते हैं और परीक्षा में इसको कैसे हल किया जाता है, प्रश्नोत्तर कैसे लिखा जाता है, इसके बारे में कल आपको बताएंगे। आज हमने आपको जो मुहावरे और जो कथियाँ बताई हैं उसको आपको पढ़ना है और लिखना है। इसके अलावा ग्रामर में और बहुत कुछ पढ़ने और लिखने के लिए है, जैसे गौण शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थक शब्द, भिन्नार्थक शब्द, ये आपको लगातार पढ़ते रहना है, क्योंकि ये मौलिक चीज है और बेसिक चीज है जिसको आपको हमेशा पढ़ना है। इसमें आपको संज्ञा, स्वरनाम, क्रिया, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, ये सब चीज़ें जो आप पिछली क्लास में भी पढ़ते हुए आ रहे हैं उसको भी आपको लगातार पढ़ते रहना है। अभी आपका नया विषय हमने आपको बताया था उपसर्ग और प्रत्यय, इसको भी आप पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए, बहुत सरल है लेकिन आपको पढ़ना है। समास के संबंध में आपको पढ़ना है, विपरीत शब्द और पर्यायवाची शब्द पढ़ना और लिखना है। आप हर ग्रामर का हर विषय कम से कम 5 शब्द या 10 शब्द लिखने का हर दिन प्रयास कीजिए, जिससे आपको आपका पढ़ने का काम और लिखने का काम बराबर होता रहेगा। ग्रामर में ग्रामर एक ऐसा विषय है जिसको आपको हर दिन पढ़ना, थोड़ा थोड़ा लेकिन ध्यान देकर एकाग्रता के साथ पढ़िए और दिल से पढ़िए, तभी आप अच्छे तरह से उसको समझ सकते हैं। तो कल फिर एक नए विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त, नमस्कार।